हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शाहुल और आप देख रहे हो लेट्स इट प्ले। आपने तो वो कहानी सुना ही होगा मेरा इसके पहले जो इंट्रो में मैंने दिया था। आज का गेम ही उसी पर है, पंचायत। पंचायत बहुत ही अमेजिंग टाइम प्लेसमेंट गेम है और इसे खेलने में हमारी फैमिलीज को काफ़ी मज़ा आया। पंचायत जो है ये है 1 से 4 प्लेयर का गेम है। इस गेम को बनाया है एंडी देसा ने और पब्लिश किया है क्यू गेम्स ने। इस गेम में प्लेयर्स जो है पंचों का रोल निभाएंगे और उन्हें एक बंजर जमीन दिया जाएगा और प्लेयर्स यहाँ पर उस जमीन को बहुत ही प्यारा सा विलेज में बदलेंगे। इस गेम में प्लेयर्स जो है आपस में रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका गांव सबसे बेहतरीन बने और बेहतरीन बनने पे उन्हें कुछ विनिंग पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर सही बिल्डिंग को सही समय में अगर आप प्लेस करते हो तो आपको कुछ बोनस पॉइंट भी मिलेगा। आखिर में जिसके पास भी सबसे ज्यादा विक्ट्री पॉइंट्स होगा वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है पंचायत। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत। अभी हम लोग देखेंगे इस गेम का कंपोनेंट और साथ ही में इसका सेटअप भी देख लेंगे। सबसे पहले ये जो स्कोर बोर्ड है वो सभी के सेंटर में रख देंगे। ये है एंड गेम बोनस टाइल, जिसमें आपको गेम के एंड में कुछ एंड गेम बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इसमें से आपको 4 लेना है और यहाँ पर बोर्ड के नीचे फेस अप करके रख देना है। बाकी के जो बचे हुए टाइल है उसे बॉक्स में रख देंगे, वो इस गेम में यूज़ नहीं होगा। ये है सोलो प्लेयर टाइल्स, जिसमें आपको सोलो ऑब्जेक्टिव और सोलो ज़मींदार डिस्कार्ड टाइल मिलेगा। ये इस गेम में यूज़ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको 3 प्लेयर का गेम बताने वाला हूँ। तो इसे भी हम लोग गेम के बॉक्स में वापस रख देंगे। ये है बिल्डिंग टाइल, ये है जनरल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये है यूटिलिटी बिल्डिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे इस टाइल को कैसा सेटअप करते हैं। अगर आप 2 प्लेयर खेल रहे हो तो आपको कुछ टाइल्स निकालने होंगे, जैसे कि काउ शेड से 3, हाउस में से भी 3 टाइल आपको निकालना होगा। इसके अलावा टेम्पल, ग्रेनरी, पंडित हाउस, स्कूल, पॉटरी, क्वारी, वुड वर्कशॉप, इनमें से 2-2 टाइल्स आपको निकालने होंगे। उसके बाद मेडिकल क्लिनिक, वेल, स्टैचू, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन में से आपको 1-1 टाइल निकालने होंगे। अगर आप 3-4 प्लेयर खेल रहे हो तो सारे टाइल को इस्तेमाल करना होगा। इन 68 बिल्डिंग टाइल को अच्छे से शफल करके ऐसे 2 फेस डाउन डेक बना देना है आपको। उसके बाद इन डेक में से टॉप में से 3 टाइल को आपको लेना है और ऐसे फेस अप करके रखना है। आपको जब फेस अप करोगे तो यहाँ पर ऊपर और इसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ना है। अब हमने ये जो फेस अप टाइल जो रखा है इसे कहेंगे ओल्ड बिल्डिंग टाइल, और जो ये स्पेस जो हमने छोड़ा है यहाँ पर न्यू बिल्डिंग टाइल्स आएंगे। ये है विलेज बोर्ड, जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं उन सभी को 1-1 विलेज बोर्ड दे देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 प्लेयर का बताने वाला हूँ। ये जो विलेज बोर्ड है वो एक्स्ट्रा है, तो ये गेम बॉक्स में चले जाएंगे। विलेज बोर्ड में अगर आप देखोगे तो ये है रिवर और ये है फार्म और ये है विलेज एरिया, लेकिन ये जो ग्रीन है उसको कहेंगे विलेज सेंटर। तो प्लेयर्स को क्या क्या मिलेगा? एक विलेज बोर्ड, उसके ही मैचिंग का रेफरेंस कार्ड, 50 विक्ट्री पॉइंट टोकन और ये प्लेयर मार्कर। और इस प्लेयर मार्कर को स्कोर बोर्ड में ये 0 वाले स्पेस पे यहाँ रख देना है। तो सारे प्लेयर्स ऐसे ही रख देंगे यहाँ पर। प्लेयर को एक एडजेंसी बोनस और एक प्लेसमेंट बोनस मिलेंगे। प्लेयर्स क्या करेंगे, इनको फेस अप करके अपनी मर्जी से इस विलेज बोर्ड में कहीं पर भी रख देंगे। तो ये है इस गेम का सेटअप। इस गेम को 8 राउंड में खेला जाएगा। जो भी रिसेंटली गांव जाकर आया है वो इस गेम का पहला प्लेयर होगा। स्टार्टिंग प्लेयर से क्लॉकवाइज खेला जाएगा। इस गेम में आपको 3 सेपरेट एक्शन मिलेगा, एक कलेक्ट बिल्डिंग टाइल जिसमें आपको टाइल पिक करना होगा, और दूसरा है प्लेस टाइल, जो टाइल आपने पिक किया है उसको प्लेस करना है, और थर्ड है स्कोरिंग। तो इसी ऑर्डर पे आपको करना होगा, पहले आप कलेक्ट करोगे, फिर प्लेस करोगे, फिर उसी के साथ स्कोरिंग करोगे। अभी हम लोग देखेंगे इस बिल्डिंग टाइल्स को कैसे लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन डेक में से रैंडमली 3 टाइल को ऐसे फेस अप करके रखोगे। जैसे कि मैंने कहा था, ये है न्यू बिल्डिंग और ये है ओल्ड बिल्डिंग। अभी प्लेयर्स जो है इन 6 फेस अप टाइल में से कोई भी 2 टाइल ले सकता है। जैसे कि मुझे ये टाइल चाहिए, ये लिया और इमिडिएटली मैं अपने विलेज बोर्ड पर प्लेस कर दूंगा अनऑक्यूपाइड प्लेस पे, और फिर सेकेंड टाइल लूंगा मैं अपने विलेज बोर्ड पर प्लेस कर दूंगा। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि विलेज बोर्ड पर प्लेस करने पर क्या होगा। फिलहाल हम देखेंगे कि इस बिल्डिंग टाइल को कैसे कलेक्ट करते हैं। अगर आप ओल्ड बिल्डिंग में से कोई एक टाइल उठाना चाहते हो तो आप सिर्फ टॉप वाले टाइल्स ही उठा सकते हो। टॉप वाले टाइल्स का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फर्स्ट पिक आपका स्टैचू होना चाहिए, ये वाला टाइल आपको उठाना होगा। उसके बाद एज अ सेकेंड पिक आपको ये मेडिकल क्लिनिक मिलेगा। अगर आपको ये मेडिकल क्लिनिक चाहिए तो आप नहीं उठा सकते हो, उसको उठाने के लिए आपको पहले ये स्टैचू उठाना होगा और आपको प्लेस करना होगा, फिर एज अ सेकेंड पिक आपको ये मेडिकल क्लिनिक मिलेगा। तो न्यू बिल्डिंग में से डायरेक्ट उठा सकते हो,
और आप ओल्ड बिल्डिंग में से टॉप वाले टाइल ही उठा सकते हो। दो टाइल लेने के बाद प्लेयर्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर जितने भी यहाँ पर न्यू बिल्डिंग है उसे अभी ओल्ड बिल्डिंग के एरिया में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इन तीन टाइल में से कोई भी एक टाइल उठाकर यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद आपको ये सेकेंड टाइल उठाना है और आप चाहे तो यहाँ और या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो। वैसे ही आप चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम तीन टाइल ही होगा। फ्यूचर में अगर यहाँ पर आपको टाइल रखना है तो इन टाइल को आपको डिस्कार्ड करना होगा, तभी आप नया टाइल ओल्ड बिल्डिंग के एरिया में रख सकते हो। जब ये बिल्डिंग टाइल डेक खत्म हो जाता है तो आपको डिस्कार्ड पाइल में से वापस से आपको शफल करना है और ये न्यू डेक बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइल को कैसे प्लेस करते हैं। मैंने ये जो दो टाइल पिक किया है अभी हम लोग देखेंगे इस विलेज बोर्ड पे कैसे हम लोग प्लेस करते हैं। सबसे पहले ये जो काउ शेड का जो टाइल है वो हम लोग कोई भी खाली जगह पे हम लोग रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ रखूंगा टाइल्स पे। अगर यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देखेंगे ये है विक्ट्री पॉइंट्स और इनके कुछ बोनस विक्ट्री पॉइंट्स भी मिलते हैं। बोनस विक्ट्री पॉइंट तब मिलेगा जब एंड ऑफ द गेम में जिसके पास सबसे ज्यादा काउ शेड होगा उसको मिलेगा 10 बोनस विक्ट्री पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिलहाल अभी मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला और इमीडिएटली स्कोर बोर्ड पे एक पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइल लूंगा मैं। अब यहाँ पर मुझे इसका विक्ट्री पॉइंट तो 3 मिल रहा है। अगर मैं इस टाइल को फार्म के बाजू में अगर प्लेस करता हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा बोनस विक्ट्री पॉइंट्स मिलेगा। सो मैं इसे यहाँ प्लेस करूँगा और ये है फार्म। फार्म के बाजू में प्लेस करने की वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 3+1 4 विक्ट्री पॉइंट्स मुझे इमीडिएटली स्कोर बोर्ड पर बढ़ा देना है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स के डिटेल्स और उसे इस विलेज बोर्ड पर प्लेस करने पर हमें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। टी स्टॉल में यहाँ पर एक विक्ट्री पॉइंट्स मिल रहा है। अगर मैं इसे काउ शेड के अगर बाजू में रखता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ इस टाइल को और मुझे काउ शेड बाजू में है इस वजह से मुझे इसके 1+3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इमीडिएटली यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स बढ़ा देना है। ये क्वेरी जो टाइल है आपको 3 विक्ट्री पॉइंट्स तो देगा लेकिन अगर आप इसे फार्म के बाजू में अगर प्लेस करते हो तो आपको -2 पॉइंट्स मिलेगी। तो अगर यहाँ मैं अगर रखता हूँ तो मुझे 3 विक्ट्री पॉइंट्स मिल जाएगा और अगर मैं इसे फार्म के बाजू में अगर प्लेस करता हूँ तो मुझे 3 विक्ट्री पॉइंट्स मिल जाएगा लेकिन इसे -2 पॉइंट्स मुझे फार्म के बाजू में रखने की वजह से मिलेगा। ये जो हाउस बिल्डिंग है अगर मैं इसे रिवर के पास में अगर प्लेस करता हूँ तो मुझे 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और अगर स्कूल भी अगर पास में होगा तो मुझे 1 एडिशनल बोनस पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो स्कूल यहाँ पर मेरे विलेज बोर्ड में नहीं है और रिवर ये है और रिवर के पास में प्लेस करने पर मुझे 2 बोनस पॉइंट्स मिला। तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 पॉइंट्स बढ़ा दूंगा। ये स्टैचू बिल्डिंग अगर विलेज सेंटर में रखते हो तो 1 बोनस पॉइंट्स एडिशनल मिलेगा और मुझे 3 विक्ट्री पॉइंट्स भी मिलेगी। तो यहाँ पर विलेज सेंटर जो है ये ग्रीन एरिया और यहाँ पर प्लेस करने पर मुझे तो टोटल मुझे स्टैचू बिल्डिंग से मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। ये है स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग जो है यहाँ पर पंडित हाउस पास में होने पर मुझे 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर पंडित हाउस नहीं है और मैं इसे यहाँ अगर प्लेस करता हूँ तो प्रीवियसली रखा हुआ जो टाइल है हाउस बिल्डिंग टाइल वहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ था कि पास में अगर स्कूल होता तो 1 बोनस पॉइंट्स मुझे मिलेगा। तो प्रीवियसली रखा हुआ टाइल को भी एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। पंडित हाउस पास में नहीं होने की वजह से मुझे 1 ही पॉइंट्स मिलेगा स्कूल टाइल से और प्लस मुझे यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से हाउस से भी मुझे 1 पॉइंट्स मुझे मिल जाएगा। तो टोटल मुझे स्कूल टाइल रखने पर 2 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि ऐसी जगह में आप बिल्डिंग टाइल को प्लेस कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी मिलेगा। तो याद रखिए जब भी आप टाइल कलेक्ट करते हो इस विलेज बोर्ड में प्लेस करना है और इमीडिएटली आपको स्कोर करना है। अभी हम लोग देखेंगे यूटिलिटी टाइल। यूटिलिटी टाइल में 2 बिल्डिंग्स मिलेंगे, एक है रेलवे स्टेशन और दूसरा है पोस्ट ऑफिस। और ये यूटिलिटी बिल्डिंग आपको कुछ बोनस एक्शन देगा जब आप इस विलेज बोर्ड पे प्लेस कर दोगे। चलिए हम अब देखेंगे इसमें हमें क्या क्या बोनस एक्शन मिलेंगे। ये है रेलवे स्टेशन टाइल। रेलवे स्टेशन टाइल आपको 3 विक्ट्री पॉइंट के साथ टेंपल के पास में अगर इसे प्लेस करते हो तो आपको -1 पॉइंट देगा और साथ में एक एक्शन भी मिलेगा आपको जब आप इसे विलेज बोर्ड में प्लेस करने के बाद पूरे गेम में एक बार आप कोई भी एक टाइल को मूव कर सकते हो। अभी मैंने इस टाइल को यहाँ पर प्लेस किया हूँ। वो एक्शन जो है आप जब बिल्डिंग टाइल जब प्लेस करते हो उसके दौरान आप कोई भी एक टाइल को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस टी स्टॉल को अगर यहाँ पर मुझे प्लेस करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ लेकिन ये टी स्टॉल में जो मुझे पॉइंट्स मिला है और इस काउ शेड की वजह से मुझे एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मिले उसका मुझे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर मुझे रखने पर कोई पॉइंट्स मुझे नहीं मिलेगा। एक बार एक्शन लेने के बाद रेलवे स्टेशन टाइल को आपको 90 डिग्री में मूव कर देना है ताकि ये पता चलेगा कि आपने इस रेलवे स्टेशन का एक्शन ले चुके हैं। तो ये रेलवे स्टेशन का एक्शन जो है पूरी गेम में एक ही बार ही आप ले सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस प्लेस करने पर आपको क्या एक्शन मिलेगा। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस यहाँ पर प्लेस कर दिए तो यहाँ पर आपको एक एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहे तो पिक एक्शन के दौरान डिस्कर्ड पाइल के टॉप टाइल आप उठा सकते हो और इसे आप प्लेस कर सकते हो। एज अ सेकेंड पिक भी आप डिस्कर्ड पाइल के टॉप टाइल को उठाकर आप प्लेस कर सकते हो। और ये जो पोस्ट ऑफिस का जो एक्शन है हर टर्न में आपको एक बार करने का मौका मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे ये जो प्लेसमेंट बोनस टाइल है इससे हमें कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप इस सिंबल को देखोगे तो ये है यूटिलिटी सिंबल। यूटिलिटी टाइल के कॉर्नर में यहाँ पर आपको सेम सिंबल आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी यूटिलिटी टाइल आपको पिक करना है। अगर सेम टाइल अगर आप प्लेस करते हो यहाँ पर इस स्पेस पे तो आपको ये पॉइंट के साथ और एक्स्ट्रा दो बोनस पॉइंट्स भी मिल जाएगा। तो करना क्या है, इसके जगह में आपको यहाँ प्लेस करना है और उसके बाद ये जो टाइल है आपको यहाँ पर फेस डाउन करके आपके पास रख देना है। ये है एडजेसेंट बोनस टाइल। एडजेसेंट बोनस टाइल जो है आपको रिवर के पास जितने भी बिल्डिंग्स है सभी को एक एक बोनस पॉइंट्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइल प्लेसमेंट के टाइम पर मैं ये टाइल यहाँ पर अगर प्लेस करता हूँ इसके ऊपर और ये टाइल आपको क्या करना है यहाँ पर फेस डाउन करके रख देना है और उसके बाद ये जो एक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और देखना है रिवर के पास में कितने टाइल्स है। 1, 2, 3 टाइल्स होने की वजह से मुझे स्कोर बोर्ड में 3 पॉइंट्स अब मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे गेम एंड कैसे होगा। जब सारे प्लेयर्स 8 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो सारे प्लेयर्स अभी स्कोरिंग करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस गेम का स्कोरिंग। इस गेम में 3 तरीके से स्कोरिंग होगा। पहला जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा काउ शेड टाइल होगा उसे मिलेगा 10 विक्ट्री पॉइंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास 2 है तो कुछ और प्लेयर के पास 1-1 रहेगा तो मुझे मिला है 10 विक्ट्री पॉइंट्स। जब आप 50 क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पर 50 विक्ट्री पॉइंट्स का टाइल मिलेगा तो आप इसे यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। सेकेंड हम देखेंगे एंड गेम बोनस टाइल। एंड गेम बोनस टाइल जो ये है एक एक करके देखेंगे। मोस्ट टी स्टॉल और फ्लावर स्टॉल जिसके पास होगा उसे मिलेगा 5 विक्ट्री बोनस पॉइंट्स। तो यहाँ पर मेरे पास टी स्टॉल और फ्लावर स्टॉल दोनों है तो यहाँ पर मुझे मेरे पास 3 टाइल है, 1 टी स्टॉल और 2 फ्लावर स्टॉल, तो टोटल मेरे पास 3 टाइल है तो मेरा अगर सबसे ज़्यादा टाइल हो गए तो मुझे मिलेगा 5 पॉइंट्स। वैसे ही ये टाइल यहाँ पर फ्लावर स्टॉल और स्टैचू होना चाहिए, यहाँ पर वेल और स्टैचू होना चाहिए और यहाँ पर हाउस और फ्लावर स्टॉल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में सभी को 5 विक्ट्री पॉइंट्स मिलेगी। और आखिर में हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ टाइल को कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वो टोटल 5 टाइल है एक दूसरे के बाजू बाजू में है। ऐसे नहीं चलेगा, डायगोनली नहीं चलेगा, ये सेपरेट है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग्स है जो ग्रुप में है तो एक टाइल का हमें 2 पॉइंट्स मिलेगा तो टोटल 5 है तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे तो इमीडिएटली यहाँ पर स्कोर बोर्ड में पॉइंट्स बढ़ा देंगे। वैसे ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 3 है तो टोटल 3 के 6 पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो भी 3 है तो मुझे मिलेंगे 6 पॉइंट्स। येलो कलर का जो जनरल बिल्डिंग है उसके कोई पॉइंट्स ग्रुप में नहीं मिलते हैं यहाँ पर। अगर यूटिलिटी बिल्डिंग अगर सिंगल भी है तो उसे मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो सारे प्लेयर्स ऐसे ही अपने पॉइंट्स बढ़ाते रहेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा विक्ट्री पॉइंट्स होगा वो ये गेम जीत जाएगा। अगर टाइम होता है तो हम लोग देखेंगे कि ग्रुप में सबसे ज़्यादा टाइल किसका है। यहाँ पर मेरे पास 5 अगर टाइल है और किसी के पास 4 है तो मैं विनर हूँ। अगर फिर भी टाई होता है तो दोनों प्लेयर विक्ट्री शेयर करेंगे। अगर आप इस गेम को सोलो में खेलना चाहते हो तो रूल बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये गेम समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही हम आगे भी आपको अच्छे अच्छे गेम्स के हाउ टू प्ले गेम प्ले या रिव्यू कोई भी गेम का आपके लिए लेकर आए। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा पे जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम लोग डे बाय डे अपडेट्स करते रहते हैं जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अगर इस गेम के रिगार्डिंग कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे मौका मिलेगा और तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।